Hello dear students, we are talking about the psychology of the 11th class, in which we talked about the different cell organelles which were present in the cytoplasm. Cytoplasm mein sare cell organelles hote hain, nucleus bhi cell organelle hai, but that is the biggest cell organelle. Or, in addition to it, the other cell organelles like Golgi body, endoplasmic reticulum, ribosome, vacuole, lomasome, spherosome, all these things they were present and about which we have talked it. जिसके बारे में हम लोग जो है बात कर चुके हैं. अब बात करेंगे हम लोग nucleus की. So this is your nucleus. Nucleus was discovered by Robert Brown. Robert Brown ने nucleus की खोज करी थी. कोई भी cell जिसमें nucleus है उसको जीवित माना जाता है. Any cell which has got nucleus is considered as living cell. अगर उसमें nucleus नहीं है तो फिर उसको dead माना जाता है. Okay? और nucleus जो होता है it is the main controlling center. मुख्य नियंत्रक केंद्र होता है. न्यूक्लियस बॉस है. सारी गतिविधियां ऑल द एक्टिविटी दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द न्यूक्लियस. सब केंद्रक के अधीन होती हैं. ओके अब ये प्रयोग कि न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल वॉज डन बाय फ्लेमिंग. किस पर कार्य किया था उन्होंने? एसिटी बुलेरिया पर. फ्लेमिंग ने कार्य किया था. यह एसिटी बुलेरिया की सबसे लंबी सेल मानी जाती है. फ्लेमिंग ने यह बताया इसके ऊपर प्रयोग करके कि न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल. अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर संख्या के आधार पर कई प्रकार की सेल्स होती हैं, जैसे कि मोनोकैरियोटिक, अर्थात एक केंद्र की. नंबर टू डाइकैरियोटिक, अर्थात द्विकेंद्र की. अधिकांश सेल जो होती हैं वह मोनोकैरियोटिक होती है, परंतु अगर हम देखें प्लांट के अंदर बेसिडियोमाइसिटिस फंगस में वह डाइकैरियोटिक मिलती है. अब पैरामीशियम को देखिए, पैरामीशियम में भी दो न्यूक्लियस होते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस और एक माइक्रो न्यूक्लियस. बोथ दीज न्यूक्लियस दे हैव डिफरेंट फंक्शंस. वन इज रिप्रोडक्टिव इन नेचर, अनदर वन इज मेटाबॉलिक इन नेचर. देन मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन. मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को यदि आप देखोगे तो ये दो प्रकार की होती है.
सेंसेशन, नंबर टू सिनोसिटिक, हैं दोनों ही मल्टी न्यूक्लिएटेड, लेकिन इनका मल्टी न्यूक्लिएट नेचर जो होता है वो अलग विधि से होता है। इसके अंदर तो सेल फ्यूजन से होता है, ये न्यूक्लियस वाली एक सेल, ये न्यूक्लियस वाली दोनों सेल, ये दोनों के दोनों मिली और दोनों न्यूक्लियस जो है वह एक ही सेल में आ गए फ्यूजन के कारण। और इसमें क्या होता है सिनोसिटिक के अंदर, एक न्यूक्लियस है उसके अंदर डिवीजन होते हैं जिससे कि बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं, तो बाय डिवीजन। सेंसेशियल एपिडर्मिस को अगर हम देखें तो इसका एग्जांपल है एस्क्रीज की एपिडर्मिस, एग्जांपल एस्क्रीज एपिडर्मिस। सिनोसिटिक का एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो दैट इज योर एल्बिगो, एल्बिगो जो होता है वो सिनोसिटिक होता है और एस्क्रीज की जो एपिडर्मिस होती है वो सिंसाइशियल होती है। ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। ये हम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर यानी कि संरचना के बारे में बात करने जा रहे हैं। और ये जो न्यूक्लियस होता है इट इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, यह जो है दोहरी झिल्ली से आवृत होता है। अब न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर क्या होती है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो देखिए साहब, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है और इस सेल मेम्ब्रेन में यह साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में ही सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं एंड साइटोप्लाज्म इज कंसीडर्ड एज द मेन एरेना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज। साइटोप्लाज्म को कोशिका गतिविधियों का मुख्य केंद्र माना जाता है, सारी गतिविधियां यही होती हैं। इधर की लाइन उन्होंने एनसीईआरटी में। अब यहां से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आई, ये गोल्जी बॉडी बता दी हमने और अब हमारे पास में ये न्यूक्लियस आ गया। न्यूक्लियस जो होता है जैसा कि मैंने कहा इट इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, तो ये हमने न्यूक्लियस की दोहरी झिल्ली बता दी जिसमें यह आउटर मेम्ब्रेन है और इसमें यह इनर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर हमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ रहता है, केंद्रक द्रव्य जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अभी मैं मेम्ब्रेन की तरफ जा रहा हूं। दोनों झिल्लियों के मध्य में जो जगह होती है उसे हम लोग पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं।
परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। सो दिस इज योर पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब हम झिल्ली का, अब पदार्थ बाहर से अंदर आते हैं तो नेचुरली केंद्रक झिल्ली के अंदर छिद्र होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी हैविंग द पोर। ये वाला क्षेत्र में आपको लेकर यहां बता रहा हूं। सपोज करो यह केंद्रक की बाहरी झिल्ली और यह केंद्रक की आंतरिक झिल्ली है। उधर से भी झिल्ली आ रही है, इधर से भी झिल्ली आ रही है। हम जो है न्यूक्लियर पोर यानी कि केंद्रकीय छिद्र के बारे में बात करने जा रहे हैं कि केंद्रक में पदार्थ कैसे गुजरते हैं। तो इसके लिए केंद्रक झिल्ली में छिद्र होते हैं जिनको हम केंद्रक छिद्र या न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इस पर एक सम्मिश्र जिसे हम लोग न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, केंद्रकीय छिद्र सम्मिश्र कहते हैं, वह पाया जाता है। ये षटकोणीय होता है। कैसा होता है? षटकोणीय। तो आप देखिए ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स यानी कि केंद्रकीय छिद्र सम्मिश्र होता है, ऐसे रहता है। अब इसमें ऊपर से तो आती है ये आउटर मेम्ब्रेन और नीचे कौन जुड़ती है? तो आंसर होता है इनर मेम्ब्रेन, नीचे जाकर जुड़ जाती है। ऐसे यहां पर भी ये आके जुड़ती है और इधर से ये नीचे आके जुड़ती है। तो इस प्रकार से दोनों झिल्लियों के बीच में ये सैंडविच हो जाता है। इसका आठ कोण हो गए हमारे पास में, ऑक्टागोनल है ये। एनपीसी आपका कैसा है? तो आंसर हुआ ऑक्टागोनल। दूसरी बात, इसके आठ कोण ऊपर हैं और आठ कोण नीचे हैं। प्रत्येक कोण पर, प्रत्येक एंगल पर हमें ये प्रोटीन मिलता है। क्या है ये प्रोटीन? का अणु मिलता है और ये छिद्र है। इस छिद्र में से जल विलेय, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस पास होते हैं और जो अगल बगल वाला एरिया होता है ये वाला, इसमें से फैट सॉल्युबल, वसा विलेय पदार्थ निकलते हैं। अब इसी झिल्ली के नीचे एक रेटिकुलेटेड स्ट्रक्चर पाई जाती है। वो रेटिकुलेटेड स्ट्रक्चर कैसी होती है? वह ऐसी होती है जिसे हम लोग न्यूक्लियर लेमिना कहते हैं, न्यूक्लियर लेमिना कहते हैं। ओके, ये क्या करती है? केंद्रक झिल्ली को सपोर्ट देती है जिससे कि केंद्रक की आकृति जो होती है वो सुनिश्चित रहती है। द शेप ऑफ द न्यूक्लियस इज डिसाइडेड
एंड इट रिमेन्स इन अ कॉन्स्टेंट पोजिशन ड्यू टू द न्यूक्लियर लैमिना, केंद्र की ये फलक के कारण जो कि एक जाली के रूप में इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होता है पाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, केंद्रक के अंदर क्या है, वो हम बात करने जा रहे हैं। तो केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, केंद्रक द्रव्य है, और इस केंद्रक द्रव्य में छोटे छोटे से पतले धागे के समान स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। तो ये हमारे पास में क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन पतले धागों के रूप में पाया जाता है। हमने बताया था आपको शुरू शुरू के अंदर कि केंद्रक के अंदर अम्ल होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि अम्लीय क्षेत्र है। तो उसको क्षारीय अभिरंजक से अपन लोग अभिरंजित करते थे, जैसे कि फ्यूलजनस्टीन, कार्माइनस्टीन, हीमोटॉक्सिलिन। बाद में जब स्टेन किया गया तो पतले पतले धागे नजर आए, और इन्हीं धागों को हमने क्या कहा? क्रोमेटिन। अब ये क्रोमेटिन को जब देखा गया तो उसमें ये गोल गोल स्ट्रक्चर थी, और ये गोल गोल स्ट्रक्चर का ये वाला भाग स्टेन्ड हो गया, अभिरंजित हो गया, ये हो गया स्टेन्ड। तो ये वी जैसा दिख रहा था, तो साइंटिस्ट लोगों ने ये कहा कि क्रोमेटिन के अंदर वी बॉडीज पाई जाती हैं। तो इनको क्या नाम दिया उन्होंने? वी बॉडीज। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि बॉडी तो ये है गोल गोल न्यूक्लियस की, तो उसको उन्होंने न्यू बॉडीज फिर बाद में नाम दिया, और न्यू बॉडीज नाम दिया। फिर इसी न्यू बॉडी को इन्होंने न्यूक्लियोसोम नाम दिया। बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, वॉटसन था, एड्डा था, ऑलिंस था, उन्होंने न्यूक्लियोसोम की संरचना बताने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। अब ये न्यूक्लियोसोम से पूछा मैंने, भाई तुम किसके बने हुए हो? जिसने बोला, सर हमारे अंदर आपको दो चीजें मिलेंगी, एक डीएनए और एक हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए के ऊपर कैसा आवेश होता है? नेगेटिव। और हिस्टोन के ऊपर कैसा आवेश होता है? पॉजिटिव। ये नेचर में कैसा होता है? एसिडिक। नाम ही उसका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। और ये नेचर के अंदर बेसिक यानी कि क्षारीय होता है। हिस्टोन जो होते हैं ये पांच प्रकार के होते हैं, फाइव टाइप्स, 1H1, H2A, H2B, H3
और एच फोर। न्यूक्लियोसोम बनाने में ये पांचों स्टोन भाग नहीं लेते हैं, केवल चार ही भाग लेते हैं, वन एच वन भाग नहीं लेता है बिकॉज इट इज लाइसिन रिच। परंतु जो चार होते हैं उनकी दो दो कॉपीज भाग लेती हैं, तो ये हो गया एच टू ए एच टू बी एच टू ए एच टू ए एच टू बी एच टू बी एच थ्री एच थ्री एच फोर। तो आठ स्टोन जो चार प्रकार के होते हैं वो भाग लेते हैं। कैसे, देखिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, हो गए आठ। ऐसे में आठ स्टोन यहां बना रहा हूं, ये हो गए। अब हम बात करते हैं डीएनए के कुंडलन की। दो कुंडलन होते हैं, दो टर्न, उसमें से वह डीएनए जो न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ लिपटा हुआ है, यानी कि ये वाला, इसको बोलते हैं कोर डीएनए। ये घूमता हुआ यूं गया और इसके ऊपर लिपटना शुरू करेगा, तो ये कोर डीएनए हो गया। इन दोनों को जोड़ने वाला जो है ये वाला क्षेत्र, इसको लिंकर डीएनए कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिंकर डीएनए कहते हैं। अब तो ये हो गए बेटा अपने दो प्रकार के डीएनए, दो टर्न के अंदर, एक कोर डीएनए और एक लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए पर 1H1 जुड़ा हुआ रहता है, ये रहा लिंकर डीएनए पर 1H1 होता है। अब मैंने कोर डीएनए से पूछा दो कुंडलन में से कितने कुंडलन तुम्हारे चारों तरफ लिपटे हुए हैं, उसने बोला कि सर पौने दो, यानी कि वन होल नंबर 3/4। न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर यानी कि क्षार युग्म पाए जाते हैं, और ये क्षार युग्म जो होते हैं उसको अगर हम देखें तो उसके अंदर मालूम पड़ेगा कि बहुत सारे, यानी कि टोटल कितने हो गए, 400 हो गए। कितने हो गए टोटल? 400 बेसिस। कोर डीएनए जो होता है ये वाला या ये वाला, इसके अंदर जो पौने दो कुंडलन है उसमें 140 बेस पेयर पाए जाते हैं। तो पौने दो में इधर हो गए तो बचा 1/4। 1/4 कुंडलन जो होता है उसके अंदर 60 बेस पेयर होते हैं, याद रखना। इसके ऊपर ये क्वेश्चंस को पूछते हैं। तो दोबारा केंद्रक के अंदर गए, तो केंद्रक द्रव के अंदर क्रोमेटिन, क्रोमेटिन को यहाँ लाए, अभिरंजित किया, तो वी आकृति का क्षेत्र अभिरंजित हुआ, जिन्हें पहले क्या कहा गया, वी बॉडीज। बाद में मालूम पड़ा कि बॉडी तो ये है, तो उनको कहा गया न्यू बॉडी। फिर बाद में आया कि साहब न्यू बॉडी का नाम क्या है, तो उन्होंने न्यूक्लियोसोम रखा। न्यूक्लियोसोम को उन्होंने देखा तो मालूम पड़ा कि यह दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, डीएनए एंड हिस्टोन। डीएनए की प्रकृति अम्लीय एसिडिक, हिस्टोन की प्रकृति क्षारीय। डीएनए के कितने टर्न? दो, और हिस्टोन के कितने टर्न होते हैं? 1/4 टर्न होते हैं हिस्टोन पर डीएनए की। ओके, हालांकि ये अपन इधर बात कर चुके हैं। दो टर्न जो होते हैं उनके अंदर
200 बेस पेयर होते हैं, यानी कि 400 क्षार होते हैं। कोर डीएनए और लिंकर डीएनए, कोर डीएनए के अंदर अगर अपन देखें तो दो कुंडलनों में से पौने दो कुंडलन यहाँ होते हैं जिसके अंदर की 140 बेस पेयर होते हैं, और लिंकर डीएनए के अंदर 1/4 जिसके अंदर की 60 क्षार युग्म बेस पेयर पाए जाते हैं। ये है हमारा न्यूक्लियोसोम। अब हमने न्यूक्लियोसोम से पूछा, भाई आपका काम क्या है? कि सर मैं ही तो क्रोमोसोम की संरचना बनाता हूं। द न्यूक्लियोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द क्रोमोसोम, कि गुणसूत्र का संरचनात्मक घटक बनाने का कार्य करता है। तो अब हम न्यूक्लियोसोम की बात के बाद में क्रोमोसोम के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने करी थी। डिस्कवर्ड बाय वाल्डेयर। इसका स्टेनिंग यानी कि अभिरंजन बेसिक डाई से करते हैं, बेसिक डाई से। वाल्डेयर को अगर अपन देखें तो उन्होंने बताया कि दीज क्रोमोसोम दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब क्रोमोसोम को अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, तो हमारे पास हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम और लोएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं। प्लांट के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफियोग्लॉसम में मिलते हैं, और एनिमल्स के अंदर ये हमें ओलोकैंथा में मिलते हैं, ओलोकैंथा। लोएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करने जा रहे हैं तो प्लांट्स के अंदर दो हैं, एक है हैप्लोपेपस ग्रेसिलेरिया और दूसरा है ब्रैकिकोम लीनियरी लोबा। ब्रैकिकोम लीनियरी लोबा। एनिमल्स की बात करते हैं तो सबसे कम एस्करीज में मिलते हैं, जिसमें एन बराबर 1 होता है। तो ये डेटाज होते हैं बेटा जो हमको मालूम होने चाहिए कि सबसे अधिक गुणसूत्र किस में, सबसे कम किसके अंदर, प्लांट के अंदर भी और एनिमल में। वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजी हियर। अब बात चलेगी कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। माइटोसिस की
मेटाफेज अवस्था में यू कैन स्टडी द ग्रॉस मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम, कि आप गुणसूत्र की सकल आकारिकी का अध्ययन कर सकते हो। मेटाफेज प्रोफेज के बाद में आता है, चार स्टेजेस होती हैं माइटोसिस की, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अब हम क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बताने जा रहे हैं। ये क्रोमोसोम का केंद्रीय भाग होता है जिस पर क्रोमोसोम की दोनों भुजाएं उपस्थित होती हैं। इन इस बिंदु को हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। सो दिस इज योर सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर के ऊपर प्रोटीन की बनी हुई ये प्लेट और ये प्लेट पाई जाती है, जिसे हम लोग काइनेटोकोर कहते हैं। इसी से तर्कु तंतु, स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ते हैं। क्रोमोसोम की भुजा के बाहर जो आवरण होता है उसको पेलिकल कहते हैं, और पेलिकल के अंदर ये भरा हुआ पदार्थ जो होता है इसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, आधात्री मैट्रिक्स कहते हैं। एक क्रोमोसोम यदि होता है ऐसा तो उसको मोनोवेलेंट कहते हैं, और उसके अंदर ये क्रोमेटिड आया, ये काइनेटोकोर से होता हुआ आता है, ये आया, ये क्रोमेटिड हो गए। तो कितने क्रोमेटिड हो गए बेटा? दो। दो क्रोमेटिड होते हैं तो उस कंडीशन को डायड कहते हैं, अगर एक होगा तो मोनाड, एक गुणसूत्र होगा तो मोनोवेलेंट। लेकिन अगर दो गुणसूत्र हैं पेयर के अंदर, ये रे, ये दोनों मिलकर मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट इज इक्वल टू बायवेलेंट। बात समझ आ गई? अब यहां पर ये अंगूठी के समान स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग न्यूक्लियस या केंद्रिका कहते हैं। यह केंद्रिका के बारे में बात करेंगे अपन लोग। सो दीज आर योर टू क्रोमेटिड, दैट इज डायड कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय देम। प्रत्येक क्रोमेटिड जो होता है वह दो पतले पतले तंतुओं का बना होता है जिन्हें हम लोग क्रोमोनिमा कहते हैं, और क्रोमोनिमा जो होती है, यह शब्द जो था वह बाय वेज डो स्काई ने दिया था। अब गुणसूत्र के जो अंतिम सिरे होते हैं उन्हें हम
टीलोमियर कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज टीलोमियर। गुणसूत्र में ये टीलोमियर जो होता है अंतिम सिरे को निरूपित करता है, और ये अंगूठी जैसी स्ट्रक्चर जो होती है इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। देखिए साहब, एक भुजा येरी, एक यहां पर संकीर्णन है, कंस्ट्रिक्शन है, तो इस सेंट्रोमियर को हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, प्राथमिक संकीर्णन भी कहते हैं। और यहां भी तो गड्ढा बनेगा, जैसे अपन अंगूठी पहनते हैं तो गड्ढा हो जाता है। सो दिस इज योर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, यानी कि द्वितीयक संकीर्णन हम इसको कहते हैं। प्राथमिक संकीर्णन से लेकर टीलोमियर तक का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग ट्रेबेंट भी कहते हैं, और दूसरा नाम उसका है सैटेलाइट। क्या है उसका नाम? सैटेलाइट। ऐसे गुणसूत्र जिसमें सैटेलाइट पाया जाता है उसको हम लोग सेट क्रोमोसोम कहते हैं। सेट का मतलब होता है साइनो एसिड थाइमो न्यूक्ली निको, साइनो एसिड थाइमो न्यूक्लियो निको। अब क्वेश्चन ये आता है कि मानव की एक कायिक कोशिका में, यानी कि सोमेटिक सेल के अंदर कितने सेट क्रोमोसोम होते हैं? तो जितने न्यूक्लियोलस होंगे, ये रहा न्यूक्लियोलस। हमारे बॉडी के अंदर जो सोमेटिक सेल होती है उसमें 5 न्यूक्लियोलस होते हैं, और वो पांचों के पांचों जो है ऐसे अंगूठी के रूप में पेरे हुए रहते हैं। कौन कौन से क्रोमोसोम के ऊपर? तो आंसर होता है 13, 14, 15, 20 और 21। अब न्यूक्लियस की बात चलती है तो न्यूक्लियस से हमने पूछा, भाई तेरा कार्य क्या है? तो उसने बोला, सर मैं आरएनए बनाता हूं। और आरआरएनए राइबोसोम बनाता है, इसलिए न्यूक्लियस को राइबोसोम फैक्ट्री कहा गया है। क्या कहा गया है? राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री। बात समझ आ गया? तो ये रहा हमारे पास में गुणसूत्र के बारे में। अब गुणसूत्र जो होता है, जैसा कि हमने कहा, मेटाफेज के अंदर मिल जाता है, लेकिन कई गुणसूत्र इतने बड़े होते हैं कि वो इंटरफेस में ही दिख जाते हैं, तो उनको अपन बोलते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। चूंकि ये काफी बड़े होते हैं तो इनको हम लोग जाइंट क्रोमोसोम, राक्षस क्रोमोसोम कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है पॉलीटीन क्रोमोसोम, और एक कहलाता है लैंप ब्रश क्रोमोसोम। पॉलीटिन क्रोमोसोम के बारे में रूकर्ड ने बताया, कहां पाए जाते हैं, वेयर विल यू सी
दीज पॉलिटिन क्रोमोजोम, तो आंसर होता है इन सेलेवरी ग्लैंड ऑफ चिरोमोनास लार्वा। चिरोमोनास लार्वा की लार ग्रंथि के अंदर ये मिलते हैं, या डिप्टेरेंस के अंदर मिलते हैं यू कैन से, और डिप्टेरेंस। अब ये कैसा होता है? यह ऐसा होता है, ऐसा होता है, इसके साइड में जो ये लूप्स निकले होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं पफ्स, और ये पफ जो होते हैं ये आरएनए संश्लेषण करते हैं। अब बात चलेगी लैम्ब्रुश की, ये कहां मिलते हैं? तो आंसर होता है इन एम्फीबियन ओसाइट। एम्फीबिया की ओसाइट में हमको यह मिलते हैं। एम्फीबियन ओसाइट में इनकी स्ट्रक्चर को देखोगे तो दैट विल बी समवॉट लाइक दिस। यहां पर भी ये आपका लूप होगा, और लूप का वही काम होगा आरएनए संश्लेषण। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द शेप ऑफ द क्रोमोसोम। शेप ऑफ द क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर। नंबर वन, ये वी शेप है, वी शेप वाले को मेटासेंट्रिक कहते हैं। इसकी दोनों आर्म्स की भुजा जो होती है वह बराबर होती है। नंबर टू, ये एल शेप है, दिस इज एल वन, दिस इज एल टू, एल वन इज ग्रेटर देन एल टू। नंबर थ्री, एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक कैसा होता है? ऐसा होता है, जे शेप। इसका आर्म रेशियो सबसे मैक्सिमम होता है, आर्म रेशियो मैक्सिमम। अब बच रहा है केवल एक, वो है तुम्हारा टीलोसेंट्रिक। यहां से क्वेश्चन बनता है टीलो सेंट्रिक कैसा है? ये आई शेप, और इसके अंदर वन आर्म यानी कि केवल एक भुजा पाई जाती है, और इसी के साथ में हमारी जो है द सेल यूनिट ऑफ लाइफ समाप्त होता है। इसके बाद में अपन लोग चालू करेंगे सेल साइकिल यानी कि कोशिका चक्र। थैंक यू।